हेलो, तो बात कुछ एक सेकेंड। हाँ, बात कुछ ऐसी है। आज ना लिटरली मेरा चीट डे है, और चीट डे में तो यार बढ़िया मीठा खाना बनता है, क्या कहते हो? तो मैंने सोचा क्यों ना आज इंटरनेशनल फूड चेन्स की डेजर्ट्स ट्राई की जाए। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हल्दीराम वालों की वो जलेबी से बोर हो गया हूँ, बस आज कुछ ना नया एक्सप्लोर करने का मन कर रहा था, यही सीन है। तो फिर चलें, बड़ी भूख लगी है यार। बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिन की शुरुआत हम करेंगे पॉल्स के साथ। तो पॉल्स ना एक फ्रेंच बेकरी है, और मैं आपको बताता हूँ, मैं इससे पहले एक बार पॉल्स गया हूँ, एक या दो बार गया हूँ। और ये ऐसी जगह है, मतलब जब हम एक बेकरी में जाते हैं और वहाँ पे वो डिलिशियस एपेटाइजिंग पेस्ट्रीज पड़ी होती हैं, और मन करता है यार एक एक बाइट सबकी मिल जाए तो मज़ा ना आ जाए एकदम। हमेशा मुझे वैसी फीलिंग आती है यहाँ पे आके। देखो यार, वैसे तो मैं क्रोसॉन्ट या फिर नॉर्मल पेस्ट्री वगैरह ले सकता था वहाँ से, बट मैं ना बड़ी यूनिक सी डेजर्ट लाया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड फ्लैन नॉर मैड, और इसका सीन आपको मैं बताता हूँ। और साथ में ना मैंने स्ट्रॉबेरी क्लेयर्स भी लिया है, क्योंकि वो दिखने में बहुत यम लग रही थी यार। तो फ्लैन नॉर मैड ना इज़ लाइक अ नॉर्मैडिक टार्ट। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि जस्ट 2 मिनट पहले मैंने गूगल किया है, ठीक है? तो इसके ऊपर ये लोग आमंड्स वगैरह डालते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ पेस्ट्री, बट इसको बेक वगैरह करते हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ एन एप्पल टार्ट। ओके ओके, इट इज़ लोडेड विद आमंड्स। ओके भाई, सीन चेकआउट करो इसका भाई, लें इसकी बाइट। आई कैन एक्चुअली टेस्ट पीसेस ऑफ एप्पल। ये डेजर्ट इतनी ज़्यादा मीठी नहीं लग रही मुझे, इनफैक्ट मुझे पता नहीं क्यों यार इतने सारे आमंड्स हैं तब भी आमंड का फ्लेवर नहीं आ रहा, इट इज एप्पल डोमिनेटेड। एप्पल और थोड़ी थोड़ी क्रीम का फ्लेवर आ रहा है मुझे यार। देखो, जितनी दिखने में एपेटाइजिंग लग रही थी ना, पता नहीं क्यों यार मुझे टेस्ट वाइज उतनी कुछ अच्छी नहीं लगी। सो आई एम गोना रेट इट 2.515, एंड अब यार इसको ट्राई करते हैं भाई। है ना यार ये खूबसूरत, मतलब लिटरली यार दिस इज वर्क ऑफ आर्ट। क्या लग रही है भाई, क्या क्राफ्टमैनशिप है, नाइस। अब मैं इसको खाऊंगा, आई थिंक ये जो फिलिंग है ना, ये जो क्रीम है, मुझे ना इसमें से कस्टर्ड जैसी वाइब आ रही है। और जैसी मैं स्ट्रॉबेरी को बाइट करता हूँ, वो स्ट्रॉबेरी का पंच आता है, ओह हो व्हाट अ कॉम्बो। बातें करते करते ऑलमोस्ट मैं पूरी क्लियर खाई गया, एंड अभी 10:30 ही बज रहे हैं। क्या बढ़िया वाला मैं सनकिस्ड हो चुका हूँ इस समय। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरे लिए तो ये फ्रेंच बेकरी की डेजर्ट्स वर बॉन पेटी दे जॉन, मतलब गुड ब्रेकफास्ट इन फ्रेंच। थोड़ी थोड़ी फ्रेंच मुझे भी आती है, एंड बस यार ये नॉर्मैडिक पाई थोड़ी सी मतलब ठीक है, एक लेयर्स बढ़िया थी। अब आई थिंक आई एम वेरी वेरी फुल, ठीक है? एंड थोड़ा पेट को रेस्ट देने के बाद चलते हैं और बढ़िया बढ़िया डेजर्ट्स खाने। 3 hours later. ग्रेट पिज्ज़ा, गुड टाइम्स। मैं अभी पिज़्ज़ा एक्सप्रेस में आया हूँ, जो कि एक यूके बेस्ड चेन है, एंड मैं यहाँ पिज़्ज़ा खाने नहीं आया हूँ अनफॉर्चुनेटली भाई। मतलब मैं अंदर घुसा और यहाँ पे इतने सारे पोस्टर्स थे पिज़्ज़ा के, मेरा लिटरली मन कर रहा था वीडियो अभी के लिए कैंसिल कर दूँ और एक पिज़्ज़ा खा लूँ फिर रिज्यूम करूँ, बट देन आई वॉज लाइक ठीक है अब मीठा खा रहे हैं तो मीठा खाते हैं बढ़िया वाला। मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है इनके फेमस डो बॉल विद नटेला। तो इसका सीन बताता हूँ, जो पिज़्ज़ा का डो होता है उन्होंने छोटे छोटे बॉल्स बना के उसको बेक किया है, फिर उसके ऊपर वो शुगर डस्ट होती है वो डाली, और साथ में मुझे नटेला के साथ काफ़ी सारी ये डो बॉल्स सर्व किए हैं। तो पता नहीं इसको देख के मुझे लग रहा है यार ये अच्छी होने वाली है। आई मीन नथिंग कैन गो रॉन्ग विद नटेला, है ना? ओके, लेट मी डिप इट इनसाइड द नटेला। ओहो हो, आए क्या लग रहा है, ओह दिस इज़ गुड, दिस इज़ डिफरेंट एंड गुड। ऑनेस्टली इतना मीठा खा के भी ना पता नहीं क्यों मेरा पेट नहीं भरा है, सच में नहीं भरा है। मन कर रहा है पूरा एक तो ये ख़त्म करूँ फिर कुछ और भी ऑर्डर करूँ, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ, मतलब चलो छोड़ो यार मे बी नेक्स्ट टाइम। और अभी जब मैं पिज़्ज़ा एक्सप्रेस आ रहा था ना, तो रास्ते में मैंने कैफ़े स्पॉट किया, और वहाँ पर भी बढ़िया बढ़िया डेजर्ट थी, तो समझ जाओ नेक्स्ट स्पॉट क्या होने वाला है।
यार मैं ना सुबह से इतना सारा मीठा खाना खा चुका हूँ, बट मन मेरा अभी भी नहीं भरा। तो मैं ना अभी मैकडॉनल्ड्स गया था एंड वहां से मैंने कैफे से दो चीजें उठाई हैं। बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली जब मैं 2 या 2.5 साल पहले बैंगलोर गया था ना, तब मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैकैफे एक्सप्लोर किया था। मुझे पता भी नहीं था मैकैफे जैसी कोई चीज होती है। तब तक ये दिल्ली और गुड़गांव में नहीं आए थे, बट आई थिंक अब तो हर जगह मैकैफे खोल ही चुका है। वैसे तो इन लोगों के पास बड़े लिमिटेड ऑप्शन थे, तो मैंने ना एक तो रुको मैं दिखाता हूँ क्या लाना। ये है नटेला फिल्ड कुकी। भाई साहब क्या टेम्पटिंग लग रही है। ओहो ओके, इसका मर्डर करते हैं। वेट ओके यार देखो थोड़ा थोड़ा ही नटेला नजर आ रहा है मुझे। मुझे लगा जैसे मैं कुकी तोड़ूंगा जैसे डार्क फैंटेसी में होता है, ओहो मतलब वो नटेला या फिर चॉकलेट ऊज होके बाहर आएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा लग रहा है कुकी सॉगी सी है। इसके अंदर है ना चॉकलेट, थोड़ा थोड़ा नटेला और वॉलनट का फ्लेवर आ रहा है मुझे, बट द कुकी इज वेरी वेरी इट्स लाइक सॉगी, मतलब वो क्रिस्पी नहीं है। पता नहीं क्यों यार मुझे फीलिंग आ रही है इन लोगों ने ना मुझे पुरानी कुकी चिपका दी। सही में क्योंकि ना वो वाला फ्लेवर नहीं आ रहा, मतलब वो वाला फ्लेवर मैं समझ रहा हूँ ना कि मतलब खा के मैं ओए होए बोलूँ ना यार मजा नहीं आया। एनीवे जो सेकंड चीज मैं लेके आया हूँ दैट इज, इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। एक सेकेंड आ रही है बाहर आ रही है। वेट हाँ भाई ये है मैंगो चीज केक। भाई साहब ओहो नीचे चॉकलेट है और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ओके लू भाई बाइट इसकी। बाप रे भाई ये बहुत एडिक्टिव है मैं आपको बता रहा हूं। क्या मैंगो का पंच आया मुझे। भाई साहब This is literally so so good. It just melts in your mouth. Best है भाई यार। ये mango cheese cake ना 160 rupees का है और गलती कर दी यार वो cookie की जगह ना मैं ये एक और ले लेता। देख रहे हो मतलब रुका ही नहीं जा रहा है मुझे। भाई देखो last bite बची है, मैं इसको खत्म करता हूँ और अब मेरे को literally थोड़ा time चाहिए इतना सारा मीठा digest करने के लिए। तो मेरा होगा अब 2 times and फिर मैं जाऊंगा घर और मैं फिर बाद में मिलता हूँ। ओके बाय गाइस। ये वाली जो डेजर्ट होने वाली है ना मैं आपको बता रहा हूँ यार, मतलब तुम ना प्रेजेंटेशन देख के हिल जाओगे लिटरली यार। ऐसी डेजर्ट ना तुमने आज से पहले कभी, तुम क्या यार मैंने भी नहीं देखी थी यार। लेट मी शो यू। आ भाई बड़ी आराम से निकालना पड़ेगा मुझे क्योंकि वेट अभी दिखाता हूँ। बाप रे बाप चेक दिस आउट। भाई एक और है। वेट यार ये कितना क्यूट लग रहा है। एक और है। वेट पहचान गए ना भाई इसे, मतलब थोड़ी सी इसकी शक्ल खराब हो गई है क्योंकि ये मैंने ऑर्डर किया था, बट भाई सही डेजर्ट है यार ये तो। बाय द वे ये वाली जो डेजर्ट है ना उसका नाम पता क्या है। वेट इसको बोलते हैं कवाई क्रीम पफ चॉकलेट और ये है मिनियंस मूज बनाना कैरेमल। भाई ये सीन है इनका। एंड बाय द वे ये ना मैंने हाराजुकू टोक्यो कैफे से ऑर्डर किया है और यार ये ना कैफे चेन है फ्रॉम जापान, तो ये सीन है। उफ भाई क्या लग रहा है यार ये, मतलब तुम्हारा मन कर रहे इसे खाने का यार। इसको तो सजाना चाहिए यार। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ यार कि लिटरली मैं इसे खाऊं ना खाऊं। चलो इसको थोड़ा बाद में खाते हैं, पहले ना अपने ये कैरेमल मूस को ट्राई करते हैं जो कि मिनियन जैसा इन्होंने मुझे बना के भेजा है। ओके ओ ये बहुत सॉफ्ट है। गिरना नहीं है भाई। चेक दिस आउट। बस मैं खा रहा हूं। ओ नाइस भाई ये अंदर ना इन्होंने कैरेमल की फिलिंग की हुई है। ये डेजर्ट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। एक मिनट मैं इनकी आंखें भी खा के देखता हूं। हाँ चॉकलेट नाइस nice.
मुझे बेस्ट चीज़ पता है क्या लगी इसकी, यार ये ज़्यादा मीठी नहीं है, इनफैक्ट बहुत कम मीठी है। मुझे बनाना और कैरेमल का इतना ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऑलमोस्ट बनाना के ऊपर कैरेमल डाल के खा रहा हूँ। भाई इसको रखो साइड में, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दिस चॉकलेट का टेडी बियर ही लग रहा है यार ये तो मुझे। शायद ना इसके अंदर भी चॉकलेट हो सकती है, आई हैव नो आइडिया, बस मैं गेस मार रहा हूँ। ओ ये कुछ तो है अंदर। ओके भाई मुझे चॉकलेट क्रीम लग रही है। बन के अंदर बढ़िया वाली चॉकलेट क्रीम है, चेक करो। देखो यार क्योंकि ये ना इन्होंने हमें ठंडा सर्व किया है तो ये बन बहुत ज्यादा सॉगी हो चुका है, बट इस क्रीम के साथ खाने में ना ओहो फन आ रहा है यार। मतलब पता गया इसको खाते ही बेचारा टेडी बेयर भी सैड हो गया, देखना इसकी शक्ल। सॉरी ब्रो सॉरी, खाना तो था ही ना तुझे। थोड़ी थोड़ी ये डेजर्ट बच गई हैं, मतलब बचाई गई हैं, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी, बट आई थिंक आज के लिए कुछ ज़्यादा कैलोरीज हो चुकी हैं। अब ये मैं कल खाऊंगा खाने के बाद, ठीक है, क्योंकि मेरे को मीठा बहुत पसंद है, मतलब अब तक तो पता ही चल गया होगा आपको। एंड आई रियली होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, बिकॉज मेरे को तो भाई बहुत मज़ा आया, मतलब मज़े करा दिया यार आज तो इन डेजर्ट्स ने सही में। तो फिर अब मैं इसको पैक कर रहा हूँ, आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट मंथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।